ओके थैंक यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी को पीपीटी विजिबल हो रही है? ओके आज क्लास जो होगी हमारी वो है मीडिया निगरानी और संचार में समर्थन, यानी सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। अपनी पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हम लोग बजट को पढ़ चुके हैं। कैसे तैयार किया जाता है बजट, के लाभ क्या हैं, बजट के सिद्धांत क्या हैं और उसके क्या क्या टाइप्स ऑफ बजट हैं, प्रकार क्या हैं बजट के, उन सभी को हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस के अंतर्गत देख चुके हैं, पढ़ने का हमने उन्हें प्रयास किया। आज की क्लास जो है वो है आपकी मीडिया पर, मीडिया निगरानी और संचार में समर्थन। ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। अंतिम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको अंतिम हम पार्ट्स को कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो आपके पेपर का नाम है, उसमें मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया की भूमिका को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो The media is a lifeline of a nation. It provides not only information on what may affect the normal human being in his day-to-day functioning, but also by other features keeps him informed of development national and international. Media राष्ट्र की lifeline है, राष्ट्र के लिए एक lifeline है जो हमें सूचनाएं प्रदान करती हैं। और हम कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति की, एक मानव, एक सामान्य मानव की दिन प्रतिदिन की कार्य को प्रभावित करती हैं। बट आल्सो बाय अदर फीचर्स, इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये हमें विकास के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल गतिविधियों के बारे में हमें बराबर सूचना पहुंचाती रहती है। आधुनिक विश्व में मीडिया और जिसे हम कह सकते हैं कि जन संचार के माध्यम, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन,
न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र हैं उनकी भी उनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। वो लोगों को सूचनाएं पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान देते हैं। किसी भी समाज में और राष्ट्र में, किसी भी समाज में समाज की जो भूमिका होती है उसमें देखें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको मीडिया दर्शाती है। उनको मीडिया अपने तरीके से फिर लोगों की गतिविधियों को विकास के स्तर पर, कहीं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सूचनाएं पहुंचाने का काम करती है। मीडिया का उदय हम लोग देखें तो मीडिया अपने प्रचलन के बाद से ही मानव के दृष्टिकोण को और मानव के विचारों को स्टार्टिंग से ही प्रभावित करता रहा है। विभिन्न देशों में जो होने वाली जो जिनकी सामाजिक, राजनीतिक जो उतार चढ़ाव हैं, जो उसको एक सामाजिक राजनीतिक जो क्रांतियां हैं उसमें मीडिया की इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मीडिया की इसी सशक्त और महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक एडमंड बर्क एडमंड बर्क मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में देखते हैं और इस तरह से वो डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया का विश्लेषण करते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में, डेमोक्रेटिक नेशंस में, जहाँ विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वहाँ इस स्वतंत्रता का सही ढंग से प्रयोग मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में हम देखें, आज के समय में भी हम देखें तो जहाँ मीडिया हमें देश की सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की, आर्थिक कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करती है, हमें ये सारी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम तक सभी सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। वहीं हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, विदेशों में देखें तो घटने वाली घटनाएं जो हैं वहाँ पे भी, और वो जो समय समय पे जो उनका सोशल पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों से भी अवगत करा जाती है। तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, विदेशों में भी मीडिया के द्वारा हम उनकी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडिया एक सजग और सशक्त प्रहरी है। इस तरह से मीडिया काम करते हैं जिसके माध्यम से जो सामान्य लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, उनकी इच्छाएं, विरोध, समर्थन और आलोचना सभी कुछ प्रकट करते हैं। मीडिया के बारे में हम कह सकते हैं कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी मंच है। मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक मंच है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मीडिया की अवहेलना करने से
मीडिया को क्रिटिसाइज करने से बचता है। तो फर्स्टली हमने पढ़ा कि द मीडिया इज ए लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन, इट प्रोवाइड नॉट ओनली इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट मे अफेक्ट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हिज डे टू डे फंक्शनिंग बट आल्सो बाय अदर फीचर्स कीप हिम इनफॉर्म ऑफ डेवलपमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल। मीडिया राष्ट्र की लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है, जो मानव की जो डे टू डे की जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित करती है और विकास से राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सूचनाओं को मानव तक ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाया जाता है मीडिया के माध्यम से। The reach of media and the media, the effect it can have on general public has always been recognized and never been challenged. क्योंकि हमने अभी इसको समझने का प्रयास किया कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक मंच है, उसका प्रतिबिंब है। तो यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिक भी मीडिया की अवहेलना करने से बचता है, उसको कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको कभी आलोचित नहीं किया जा सकता। मीडिया जनता के एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। मीडिया जो है जनताओं की गतिविधियों को जनता जो कहना चाह रही है उनके प्रवक्ता के रूप में एक तरह से हम देख सकते हैं कि मीडिया काम करता है। जनता द्वारा सरकार की त्रुटियों को, सरकार की कमी को, सरकार की कमी से संबंधित अपनी शिकायत मीडिया द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। मीडिया जनता के सहयोग के लिए काम करती है और जो सरकार की जहां कमी रहती है उसको भी मीडिया उजागर करती है, मीडिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सरकार के लिए भी मीडिया के माध्यम से जनता की नब्ज का को मालूम करना आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में जो एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट काम कर रहा है वो मीडिया है। मीडिया के माध्यम से ही जनता सरकार की कमी को देख पाती है और सरकार भी मीडिया के माध्यम से ही जनता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जनता का जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जनमत, जनता का मत। और इस जनमत के निर्माण का दायित्व भी मीडिया पर होता है क्योंकि मीडिया एक बीच वाला पहल है जिससे जिसके माध्यम से सरकार जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर आलोचनाओं द्वारा यह वास्तविकता को जनता के समक्ष रखता है। मीडिया के माध्यम से ही हम यह जान पाते हैं कि जो जनता के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, जो नीतियाँ बनाई गई हैं, जिन पॉलिसीज़ का जिन पॉलिसीज़ को उद्भव किया गया है वो क्या सही है जनता के लिए
ये सभी जनता मीडिया के माध्यम से ही जानने का प्रयास करती है और महत्वपूर्ण नीतियों के जटिल अर्थ को, जो कि साधारण नागरिक की समझ से परे होते हैं, कुछ ऐसी भी पॉलिसीज होती हैं, कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें सामान्य पब्लिक समझ नहीं पाती है और समझने में असमर्थ होती है। जनता की सोच से वो परे होते हैं। ऐसे में ही उन नीतियों को, उन कार्यक्रमों को जो पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक वो सही ढंग से कार्य कर पाएंगी जनता के लिए, इन सभी का निर्धारण भी इन सभी को स्पष्ट रूप से मीडिया के जरिए ही जनता देख पाती है और कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा ही इन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। हम देख सकते हैं कि इस तरह से सरकार और जनता के बीच में मीडिया की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मीडिया सरकार और जनता के बीच में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो केवल जनता के लिए ही कार्य नहीं करता है, बल्कि सरकार को भी जनता तक पहुंचने में हेल्प करता है। मीडिया के द्वारा ही हम पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो मीडिया के माध्यम से ही हम समाचारों को, विचारों को, अपने सभी लोग अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि हम देश विदेश की गतिविधियों के बारे में भी मीडिया के माध्यम से जान पाते हैं। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सारी सूचनाएं प्रदान करता है और जनता को विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आर्थिक घटनाएं हो, सामाजिक घटनाएं हो या राजनीतिक घटनाएं हो, उनके उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में जो सूचनाएं उपलब्ध होनी है वो मीडिया के माध्यम से ही की जाती हैं। मीडिया का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वो देश और विश्व के लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण समस्याओं पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो विचार विमर्श है, जो डिस्कशन है, उसमें भाग लेना आसान बनाता है। जिसे हैबरमास पब्लिक स्फेयर, जिसे हैबरमास पब्लिक स्फेयर कहते हैं। पब्लिक स्फेयर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में विचार विमर्श में भाग लेना, जो विदेश में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उन पर विचार विमर्श करने के लिए, उन पर डिबेट्स एंड डिस्कशन करने के लिए ऐसी समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए भाग लेना आवश्यक हो जाता है। जिसे ये इम्पोर्टेंट थिंकर हैबरमास, वो पब्लिक स्फेयर का नाम देते हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र। मास मीडिया मुख्य रूप से लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करने और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का एक साधन है। यानी कि मास मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हम सूचनाओं को प्राप्त तो करते ही हैं, लेकिन जो सूचनाएं हमें, उस पर हमें कोई रिएक्शन करना है, उस पर कोई हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है, तो वो भी हम दे सकते हैं।
मास मीडिया संपर्क करने का, कम्युनिकेशन करने का वो है साधन है जिसके माध्यम से हम एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो जो मीडिया है उसके माध्यम से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं और जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत कम समय में हम अपनी बात रख सकते हैं। इट वर लेफ्ट ऑन मी टू डिसाइड वेदर वी शुड हैव ए गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर विदाउट ए गवर्नमेंट, आई शुड नॉट हेजिटेट ए मोमेंट टू प्रेफर द लेटर। थॉमस जेफरसन। अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन, ये थॉमस जेफरसन की कोटेशन है जिसके माध्यम से वो मीडिया की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, मीडिया के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। थॉमस जेफरसन कहते हैं कि अगर यह तय करना मुझ पर छोड़ दिया जाए कि क्या हमें बिना अखबार वाली सरकार चाहिए और बिना सरकार वाले अखबार, तो मुझे बाद में यह तरजीह देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो थॉमस जेफरसन मीडिया के महत्व को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार के बिना न्यूज़पेपर नहीं है और न्यूज़पेपर के बिना सरकार नहीं है। इस तरह से थॉमस जेफरसन अपनी इस कोटेशन के द्वारा मीडिया की इम्पोर्टेंस को, मीडिया के महत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया और लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, बेसिकली हम अब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन को ही मानते हैं। ए डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार के रूप में, लोगों की सरकार के संदर्भ में हम लोकतंत्र को समझते हैं। थस द पब्लिक ओपिनियन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, द पीपल इन टर्न होल्ड ऑल द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड चेंज इट इफ दे न्यू व्हाट इज वाज डूइंग। इस प्रकार से लोगों का जो मत है, लोगों का जो विचार है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं सरकार को भी अकाउंटेबल बनाने में, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उन कार्यों के प्रति, उनकी गतिविधियों के प्रति जवाबदेही बनाने में, उत्तरदायित्व की जो
को बढ़ावा देने में वो जो सरकार कार्य कर रही है उसके लिए अकाउंटेबल बनाता है। इस तरह से पब्लिक ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है, निभाता है डेमोक्रेसी में। सो देयर इज नीड टू इन्फॉर्म पीपल थिंग्स अराउंड देम सो दैट देयर इज ए चेक ऑन दी गवर्नमेंट। जैसे कि हमने बताया कि मीडिया जो है वो जनता और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और जनता की सूचनाएं भी मीडिया तक जाती हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लोगों की जो जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उसमें मीडिया जो है सरकार की गतिविधियों पर, सरकार के कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखने का एक साधन भी हम कह सकते हैं, कि जो गवर्नमेंट की जो कार्यक्रम है, गवर्नमेंट की जो गतिविधियां हैं उन पर चेक नियंत्रण रखने का काम भी मीडिया करती है। क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंच जाएंगी, इसलिए मीडिया एक नियंत्रण रखने का काम भी सरकार पर करता है। एंड मीडिया इज वन हु इन्फॉर्म देम, मीडिया ही सारी सूचनाओं को पहुंचाता है उन तक, इसलिए मीडिया एक जनता और सरकार के बीच में एक इम्पोर्टेंट कड़ी का काम करता है। मीडिया रोल, इतनी बात क्लियर हो पाई? थैंक यू थैंक यू। मीडिया की भूमिका आगे क्या है, हम उस पर अभी बात करेंगे। एज ए इन्फॉर्मर यानी सूचना प्रदान करने के रूप में मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया का रोल क्या है? एज ए इन्फॉर्मर इट शुड सप्लाई इंफॉर्मेशन इन ट्रू एंड अनबायस्ड फॉर्म। इट शुड सप्लाई इंफॉर्मेशन इन ट्रू एंड अनबायस्ड फॉर्म एंड लेट द पब्लिक चूज व्हाट मे बी द बेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। सो मीडिया एक सूचना प्रदान करने वाला माध्यम है। मीडिया जनता तक सभी सूचनाओं को पहुंचाता है और वो जो सूचनाएं होती हैं वो ट्रू होती हैं, वास्तविक होती हैं और अनबायस्ड रूप से सारी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद लोग जो हैं वो अपना चयन करते हैं, पब्लिक चूज करती है कि उनके हित के लिए, लोगों के हित के लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या सही रहेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए। इस तरह से मीडिया अब सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाती है और फिर लोग उसे चयन करते हैं कि लोगों को क्या करना है, लोगों के हित के लिए क्या बेस्ट है। इट मे बी राइट इन एजुकेटेड डेमोक्रेसीज लाइक यूके, बट
बट इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर मोस्ट ऑफ पीपल आर इलिटरेट नॉन पार्टिसिपेट इन आस्किंग क्वेश्चंस अराइज वेदर द रोल ऑफ मीडिया कैन बी लिमिटेड टू सप्लाई इन्फो अलोन. जो हमारे एजुकेटेड कंट्रीज जो हैं जैसे कि यूके, उसमें मीडिया बहुत अच्छी तरह से काम करती है. वहाँ पर लोग भी जागरूक होते हैं, क्वेश्चंस को अराइज कर पाते हैं, क्वेश्चंस को जो सोच पाते हैं. लेकिन इलिटरेट कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत कम है. वहाँ बहुत मोस्टली इलिटरेट पीपल हैं जो कि आस्किंग क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया उसमें पीछे रह जाते हैं, वो सहभागी नहीं बन पाते हैं. इस तरह से जो मीडिया की भूमिका है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि सभी कुछ मीडिया लिमिटेड इंफॉर्मेशन को फिर पहुंचा सकती है. मीडिया की जो अदर इम्पोर्टेंट रोल है, मीडिया की जो और भूमिका है उसको हम देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ पीपल ओपिनियन. क्रिएशन ऑफ पीपल ओपिनियन, लोगों के मत को, लोगों के विचार को उत्पन्न करने में, निर्मित करने में भी मीडिया की भूमिका होती है. मीडिया लोगों के विचारों को उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन एन अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी पब्लिक ओपिनियन हैज टू बी जनरेटेड एंड सम एजेंसी रिक्वायर टू डू वर्क. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन कैन सर्व द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ नेशनल ओपिनियन. जो अनएजुकेटेड डेमोक्रेसीज जो होती हैं वहाँ पे लोगों के विचारों को प्रभावित करती है मीडिया, और उनका लोगों के जो विचार हैं उन वो उत्पन्न होते हैं, और उसमें ही कुछ एजेंसीज जो हैं उनको कार्य करने के लिए आवश्यक फिर बनाती हैं. इस तरह से जो मास कम्युनिकेशन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो संपर्क करने का एक साधन है मीडिया, वो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के विचारों के लिए एक प्रभावकारी समूहबद्धता कह सकते हैं हम. मोबिलाइजेशन का हिंदी मीनिंग में मोबिलाइजेशन यानी एक समूह, कोई भी राजनीतिक रूप से या किसी हम किसी भी कार्य के लिए जब गति पकड़ते हैं या एक समूह में रहकर एक समूह में अपने हित के लिए बात करते हैं, या किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी समूह का, संगठन का जब मोबिलाइजेशन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि समूहबद्धता. तो राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय विचारों के प्रभावकारी समूहबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है मास कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन.
संपर्क का माध्यम है मीडिया। जो राष्ट्रीय विचारों की प्रभावकारी समूहबद्धता की आवश्यकता को पूर्ण करता है। देयर इज द ओनली वे ए डेमोक्रेसी सर्वाइव। और यही एक कारण है, यही एक मार्ग है जिसमें लोकतंत्र सर्वाइव कर सकता है, जिसमें लोकतंत्र रह सकता है। व्हाट मीडिया एक्चुअली इज, वास्तविकता में मीडिया क्या है? मीडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग ए हेल्थी डेमोक्रेसी। मीडिया की जो विशेषताएं हैं उनको हम इस संदर्भ में देख सकते हैं कि मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को उजागर करने में, एक स्वस्थ लोकतंत्र को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है मीडिया। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की बैकबोन के रूप में हम मीडिया को देख सकते हैं। लोकतंत्र की इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है मीडिया। मीडिया मेक अस अवेयर ऑफ वेरियस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मीडिया के माध्यम से ही हम विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को देखने में सक्षम हो पाते हैं और उन गतिविधियों के प्रति जो हमारे विश्व के चारों ओर घटित हो रही हैं, सामाजिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो या आर्थिक रूप में हो, हम उन सभी गतिविधियों को देख पाते हैं मीडिया के माध्यम से और उन सभी गतिविधियों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति जागरूक हो पाते हैं और उनके बारे में फिर हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सिर्फ ये सब केवल हम मीडिया के माध्यम से ही देख सकते हैं और मीडिया के माध्यम से ही यह पॉसिबल हो पाता है। इट इज़ लाइक ए मिरर विच शो अस और स्ट्राइव्स टू शो अस द बेयर ट्रूथ हार्स ऑफ लाइफ। यह एक मिरर की तरह है जो हमें जीवन की कठिन सत्य को भी, जीवन की कठिन स्थितियों को भी हमारे सामने रखता है, हमें प्रदर्शित कराता है, हम तक सारी सूचनाओं तक हमें पहुंचने में हेल्प करता है। इस तरह से मीडिया की जो इम्पोर्टेंट भूमिका है, इम्पोर्टेंट रोल है जो वास्तविकता में मीडिया काम करती है, उनकी विशेषताओं को हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि हेल्थी डेमोक्रेसी, बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेसी, और हम तक सारी सूचनाएं, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो, उनकी सभी गतिविधियों को हम मीडिया के माध्यम से जान पाते हैं। पावर करप्ट, द मीडिया एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ओवर अस एंड देयर इज ए नो डाउट दैट मनी एंड मसल पावर इज गेटिंग कंट्रोल द मीडिया एंड इट इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक एक्सरसाइज रादर देन ड्रीवन बाय पब्लिक स्पिरिट। दिस सिचुएशन गिव राइज टू सर्टेन क्वेश्चंस।
मीडिया की जो रोल है वो हमारे ऊपर, मीडिया का रोल हमें प्रभावित करता है, हमारे ऊपर एक तरह से अथॉरिटी को कंट्रोल करता है। और इसमें भी कोई शंका नहीं है कि मसल पावर और मनी पावर पावर मीडिया को, मीडिया के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकती है। तो जो मीडिया की जो भूमिका है वो पब्लिक इस पर जनता के लिए ना होकर एक तरह से आर्थिक एक्सरसाइज करने के लिए, आर्थिक प्रयोग के लिए भी फिर बन जाती है। और ऐसी सिचुएशन में मीडिया की जो भूमिका है वो करप्ट भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया के प्रकारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मीडिया की जो प्रकार हैं वो किस किस तरह से हम देख सकते हैं, जिसके माध्यम से मीडिया के जरिए हमें सारी सूचनाएं हम तक पहुंच जाती हैं। फर्स्टली इसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले है प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो मुख्य रूप से जो मीडिया है उनको हम चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, मीडिया को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रिंट मीडिया, सेकंड रेडियो, थर्ड टेलीविज़न, फोर्थ इंटरनेट और सोशल मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम देखें तो फर्स्ट क्या है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत रेफर टू पब्लिक पब्लिकेशन, रेफर टू पब्लिक पब्लिकेशन, पेपर पब्लिकेशन सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जनरल, न्यूज़लेटर एंड अदर मटेरियल दैट आर फिजिकली प्रिंटेड ऑन पेपर। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो हमारी बुक्स होती हैं, किताबें हैं, पुस्तकें जो हैं, न्यूज़पेपर यानी अखबार है, मैगजीन्स हैं, जनरल्स हैं, न्यूज़लेटर हैं और बाकी जो अदर मटेरियल है जिसे हम फिजिकली पेपर पर प्रिंट रूप में देखते हैं वो प्रिंट मीडिया कहलाता है। एट प्रेजेंट सम फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया हैव डिजिटल वर्जन एंड हैव एंड आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रू एप्लीकेशन और वेबसाइट। और आज के समय में हम प्रिंट मीडिया को डिजिटल वर्जन के रूप में भी देख सकते हैं, जो हमें बहुत सारे ऐप्स के जरिए, एप्लीकेशंस के जरिए और वेबसाइट्स के जरिए हम जिसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मीडिया का जो इतिहास वो प्रिंट मीडिया से ही प्रारंभ होता है, प्रिंट मीडिया से ही शुरू होता है और संचार की विकास प्रक्रिया में प्रेस की जो भूमिका है वो लंबे समय से उल्लेखनीय रही है। यह लोकतांत्रिक संस्था, संगठन व्यवस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक भी रही है। प्रिंट मीडिया में जो मुद्रित सामग्री जो होती है, जैसे जो हमारे पेपर पब्लिकेशन होते हैं जो फिजिकली हम जिनको प्रिंटेड रूप में देख सकते हैं, वो होते हैं जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकाएं और ब्रोशर, न्यूज़लेटर ये सब शामिल होते हैं। बुक्स रीडिंग मटेरियल दैट कैन एदर बी फिक्शन और नॉन फिक्शन। बुक्स के जो भी हमारे फिक्शंस हैं, जो नॉन फिक्शंस रूप हैं, उन सभी जो रीडिंग हम जिसे कर सकते हैं वो सभी हमारी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं।
स्टूडेंट्स यूज बुक्स इन स्कूल एज रेफरेंस मटेरियल, और जिन्हें विद्यार्थी भी अपने संदर्भित मटेरियल के रूप में विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में इन बुक्स का पढ़ने में प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन ए डेली और वीकली बेसिस, न्यूज़पेपर बेसिकली डेली और वीकली बेसिस पे प्रिंट होता है, कंटेन्स ए वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स विच अपेयर ऑन द डिफरेंट सेक्शन सच एज न्यूज़, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन। न्यूज़पेपर के अंदर भी हम देखते हैं कि विभिन्न आर्टिकल्स जो हैं, विभिन्न लेख जो हैं, विभिन्न विभिन्न भागों में हम देख सकते हैं, जिसमें कि न्यूज़ के रूप में समाचार न्यूज़पेपर्स में होते हैं, और हमारे व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी लाइफस्टाइल, स्पोर्ट से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट सेक्शंस से रिलेटेड जो भाग हैं उसको भी हम न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। हैज़ एडिटोरियल पेज वेयर एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर शेयर देयर व्यू एंड ओपिनियन ऑन रेलिवेंट एंड करंट इशू। और एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत एडिटोरियल पेज भी दिया जाता है, जहां एडिटर्स न्यूज़पेपर में एडिटर्स अपने विचारों को, अपने मत को दर्शाते हैं करंट इशू के रूप में, वो रेलिवेंट होता है। समाचार पत्र जो है, न्यूज़पेपर जो है, वो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम है, क्योंकि इसी के माध्यम से जनता और सरकार के बीच में संबंध स्थापित होता है। जनता और सरकार के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली न्यूज़पेपर के माध्यम से ही होता है। समाचार पत्र न्यूज़पेपर ही ऐसे होते हैं जो देश भर की प्रत्येक छोटी बड़ी सूचनाओं को, छोटी बड़ी गतिविधियों को सीधे जनता तक पहुंचाते हैं, और सीधे जनता न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी गतिविधियों की, सारी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। जनता तक सारी सूचना पहुंच जाती है, जिससे जनता की सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता तथा आर्थिक समझ का विकास होता है। इस तरह से जनता भी थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ने से फिर जागरूक हो जाती है, और सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप की जो समझ है वो डेवलप्ड हो जाती है, उसका विकास जनता में होता है। इसके बाद मैगजीन्स एंड जर्नल्स, मैगजीन्स और जर्नल को भी हम जर्नल्स को भी हम लोग प्रिंट मीडिया के अंतर्गत देखते हैं। प्रिंट मीडिया ए पीरियडिकली पब्लिकेशन रिलीज्ड वीकली, मंथली और क्वार्टरली। मैगजीन्स जो हैं एक समय अवधि के लिए उनको तैयार किया जाता है, उनको रिलीज़ किया जाता है। बेसिकली कुछ वीकली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं और कुछ क्वार्टरली होती हैं। कंटेन्स आर्टिकल ऑन वेरियस टॉपिक डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट और एरिया द मैगजीन कवर। मैगजीन के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है उसमें विभिन्न विषयों से संबंधित विषय होते हैं, और उस संदर्भ में वो आर्टिकल वहाँ पे कंटेन करते हैं, जो हम इनको कहेंगे पत्रिकाएं भी अन्य प्रकार की लोकप्रिय प्रिंट मीडिया हैं। प्रिंट मीडिया का रूप है यह, सामान्य तौर पर विशेष विषय से संबंधित पत्रिकाएं विभिन्न वर्गों को निर्देशित करती हैं। जनता को व्यापार, जीवन, राजनीति, सामाजिक बदलाव, फैशन इत्यादि जो पत्रिकाएं के माध्यम से मानवीय समाज का विकास और
व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की उन्नति का अवसर मिलता है व्यक्ति को। और इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही जो विज्ञापन करता है उसको भी वो अपना व्यापार कर पाता है, क्योंकि वो प्रिंट कर रहा है तो उसका भी व्यापार हो रहा है। और वहाँ साहित्य से पूरी पत्रिकाएं साहित्य की अभिरुचि का विकास करती हैं। इस प्रकार प्रिंट मीडिया अपने विभिन्न उपक्रमों और माध्यमों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण छाप सामान्य लोगों पर बनाए रखती हैं। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो मैगजीन्स हैं, जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से भी लोगों तक बहुत सारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और लोगों को विकास करने में और अपनी जो नॉलेज है उसको डेवलप करने में हेल्प मिलती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो प्रिंट मीडिया का एक और रूप है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज रिलीज न्यूज़लेटर फॉर स्पेशल पर्पस। ए न्यूज़लेटर इज पब्लिश्ड एदर वीकली और मंथली। किसी भी संगठन में, किसी भी कंपनी में एक विशेष उद्देश्य के लिए अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए न्यूज़लेटर को तैयार किया जाता है। और ये बेसिकली साप्ताहिक भी होता है और मासिक भी। इसको वीकली तौर पर भी तैयार किया जाता है और मंथली तौर पर भी इसको पब्लिश किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी बुलेटिन वेयर ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म इट्स रीडर अबाउट दी अपडेट एंड हैपनिंग इन दी इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। यह जो न्यूज़लेटर है वो किसी भी कंपनी की, किसी भी संगठन की जो सूचनाएं हैं और उसको अपडेट करने में वहाँ क्या हो रहा है उस संस्था में, उस संगठन में जो कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले दिनों में, उनकी जो सूचना है वो बेसिकली वो लोग न्यूज़लेटर के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। सर कंटेन स्पेशल फ्यूचर ऑन टॉपिक्स विच माइट बी ऑफ इंटरेस्ट और वैल्यू टू इट्स टारगेटेड रीडर्स। वो विषय पर कुछ विशेष विशेषताओं को निर्धारित करते हैं जो कि कुछ टारगेटेड रीडर्स जो होते हैं, जो उनको पढ़ने वाले हैं, उनके हित के लिए, उनके वैल्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती हैं। गजट, प्रिंट मीडिया का एक और इम्पोर्टेंट रूप हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे गजट। पैटर्न ऑफ द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन विच इज इंटेंडेड फॉर पब्लिक नोटिस। तो जो गजट है वो बेसिकली एक सरकार की जो आधिकारिक, जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसके स्वरूप को दर्शाता है, और जिसके जिसमें हम पब्लिक नोटिस को देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस गजट के माध्यम से दर्शाया जाता है। पैम्पलेट और ब्रोशर, ब्रोशर और पैम्पलेट जो बिल्कुल छोटा सा होता है न्यूज़ लेटर से, ये छोटे होते हैं और बेसिकली एक दो पेज में भी, एक ही पेज में, दो पेज में इनको सिमट कर ये रह जाते हैं। कार्ड जिस टाइप से होते हैं, कंटेन डिटेल येट इजी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट विद इमेजेस।
और ये जो ब्रशर हैं, पैम्पलेट हैं, ये इमेजेस, कुछ कुछ जो चित्र हैं वो भी इन पर बने होते हैं, जिससे कि हमें इजी रूप में हम कि किस लिए वो ब्रशर, ब्रोशर और पैम्पलेट है उसको हमें समझने में सहायक होते हैं, हम जल्दी से समझ पाते हैं। ए स्मॉल बुक और मैगजीन दैट कंटेन पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं, जो छोटे छोटे बुक्स होती हैं जिन पर पिक्चर्स भी बनी होती हैं और जिससे रिलेटेड वो कार्ड है, जिससे रिलेटेड पैम्पलेट है, ब्रोशर है, उसकी सूचनाएं, या किसी प्रोडक्ट से वो रिलेटेड है, किसी सर्विस से रिलेटेड है, तो उसकी सूचनाएं उस पैम्पलेट पर, उस ब्रोशर पर लिखी हुई होती हैं। तो ये भी एक प्रिंट मीडिया का रूप है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय टेलीविजन नेटवर्क एंड रेडियो स्टेशन। कंट्रीरी टू प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड वीडियो मटेरियल फॉर दी पब्लिक इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट और लेजर। तो प्रिंट मीडिया की हम बात कर चुके हैं और उसके बाद है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें हम टेलीविज़न को, रेडियो को, इन सबको देखते हैं। मीडिया का एक रूप यह भी है। तो प्रिंट मीडिया के बाद अब लोग हम टेलीविज़न और रेडियो की तरफ आ रहे हैं। रेडियो, द फर्स्ट नॉन रेडियो इज एट्रीब्यूटेड टू द इटालियन इन्वेंटर जुगलिमो मार्कोनी व्हेन दी मेड दी वायरलेस टेलीग्राफ इन 1895। रेडियो को, रेडियो का इन्वेंशन करने वाले प्रथम इटालियन इन्वेंटर जो हैं उनका नाम है जुगलिमो मार्कोनी, जिन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ 1895 में बनाया और रेडियो का मार्गदर्शन, रेडियो को इन्वेंट किया। रेडियो अनाउंसर और डीजे डिलीवर द न्यूज़ और प्ले म्यूजिक थ्रू एयरवेव्स। हम सब जानते हैं कि रेडियो कैसे हमारी गतिविधियों को, हमारे कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। प्रशासन जानकारी वितरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक सशक्त माध्यम है रेडियो। तो रेडियो के बाद टेलीविज़न है, कुछ और अन्य रूप है। तो बेसिकली आज हमने मीडिया क्या है, मीडिया कैसे डेमोक्रेसी और मीडिया की भूमिका, मीडिया डेमोक्रेसी और मीडिया निभाती है, टाइप्स ऑफ मीडिया में प्रिंट मीडिया और इसमें बुक्स, न्यूज़पेपर इन जनरल, न्यूज़लेटर, गजट, पैम्पलेट एंड ब्रोशर और ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर रेडियो और टेलीविज़न, इन सबको आगे पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।